फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लॉ टावर है। 31 मार्च 1889 को इसे आम लोगों के लिए पहली बार खोला गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल भारत की पहचान है, वैसे ही एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह टावर पर्यटकों द्वारा टिकट खरीद के देखी गई दुनिया की इमारतों में अव्वल स्थान पर है। आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ रोचक बातें। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस नॉलेज में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में। एफिल टावर की रचना गुस्ताव एफिल के द्वारा की गई है और उन्हीं के नाम पर एफिल टावर का नामकरण हुआ है। एफिल टावर मेटल से बना हुआ है, इसलिए यह सर्दियों में 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। अपने निर्माण के 40 सालों तक यह आदमी के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा टावर था, जबकि 1930 में न्यूयॉर्क के क्रिस्टल बिल्डिंग ने इसकी जगह ले ली। एफिल टावर को अब तक कुल 25 करोड़ लोग देख चुके हैं और हर साल इसे देखने के लिए 70 लाख लोग आते हैं। इसे 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया था। हर रात को अंधेरा होने के बाद 1 बजे तक और गर्मियों में 2 बजे तक एफिल टावर को रोशन किया जाता है, ताकि दूर से भी टावर दिख सके। एफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट है। हालांकि इसके एंटीना की लंबाई जोड़ने पर यह 334 मीटर हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स एफिल टावर के बारे में कुछ रोचक बातें। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।